हाँ जी, तो कैसे मेरे YouTube के चाहने वालों, आपका चहेता सूरज आ चुका है कॉर्नर ब्लॉग के साथ। तो बिहार और खूबसूरती ये दोनों का ताल्लुक नहीं होता है ऐसे लोगों का मानना है, लेकिन जी हाँ, आज बिहार के ऐसे खूबसूरत जगह पे आपको दिखाने वाले हैं जो कि यकीनन आप लोग नहीं देखे होंगे और उससे आप लोग को आज रूबरू कराएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं एशिया का सबसे मीठा झील कांवर झील, जो कि बेगूसराय ज़िला में है। तो अभी देख सकते हैं कि बेगूसराय ज़िला में है और ये जो पीछे देख सकते हैं, खेती और उद्योग के लिए ये ज़िला बहुत ही फेमस है। तो आगे चलते हैं एशिया का सबसे मीठा झील, जो कि आपके बिहार में ही बेगूसराय ज़िला में पड़ता है। तो आगे आप लोग को चलते हैं और वो झील आप लोग को दिखाते हैं कि। तो गाइज, अभी देख सकते हैं हम और मेरे प्रिय रोहित भैया साथ में चल पड़े हैं कांवर झील की यात्रा की ओर। तो अभी देख सकते हैं हम लोग पूरे गांव के अंदर में आ गए हैं गाइज, और ये जो गांव आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम गरखौली गांव है, जो कि हम लोग अभी बेगूसराय से सीधा बस से ही यहां पे आए हुए हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर का यात्रा तय करके। इधर जाना रास्ता आएगा ना, हाँ। इधर मुड़ जाना, जमंगला घर जाने का। तो गाइस, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बोर्ड, यहाँ रास्ता में कांवर झील का यहाँ पे लगा रहेगा और इसी रोड से होके हम लोग आगे जाएंगे कांवर झील की ओर। तो चलते हैं, देखते हैं और कितना आगे तक है और फिर आगे चल के और बताते हैं आप लोग को। ये देखिए भाई, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे, जो सुबह का मौसम और भी। तो गाइस, ट्राई करिएगा कि सुबह के मौसम में आए, क्योंकि हम लोग तो दूर से आ रहे हैं ट्रैवल करके, इसलिए थोड़ा सा दोपहर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देख सकते हैं जैकेट पहने, क्योंकि अभी ठंड का ही मौसम है, ऐसा कुछ गर्मी का ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे विलेज लोग का पूरा काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जनवरी मंथ में ही यहाँ पे ज़्यादा पक्षी आता है पूरा देश विदेश से, बहुत दूर दूर से। भाई बहुत सुंदर झील है, आप लोग को दिखाते हैं वीडियो में, एकदम जुड़े रहिएगा तो आप लोग को बताते हैं। और ये साइड देखिए खूबसूरती कितना मस्त है। गाइस पहुंच चुके हैं कांवर लेक, कांवर झील, जो मेरे सामने देख रहे हैं यही है कांवर झील। और यहां पर देख सकते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का यहां पर बोर्ड लगा हुआ है। तो आगे और चलते हैं, और कि बहुत हद तक यहां पर पानी सूख चुका है, हालांकि बरसात के टाइम में आते हैं तो ऐसा यहां पर दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुंदर लगेगा और पूरा यहाँ पर पानी भरा रहता है। और जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं बोटिंग हो रहा है ये साइड में, फिर भी आप देख सकते हैं कैमरा में कि मतलब कितना अच्छा से खूबसूरत यहाँ पे जो झील लग रहा है। तो और हम लोग करीब में जाएंगे और बोटिंग वहाँ पे करेंगे, तो आप लोग को दिखाते हैं कितना मस्ती करेंगे। और ये जो झील फैला हुआ है 65 किलोमीटर क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, सोच सकते हैं कितना बड़ा झील है जो। तो गाइज अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग नीचे थे और नीचे से अभी हम लोग ऊपर साइड में, इधर से सीढ़ी चढ़ के ये साइड में हम लोग आ गए हैं, देखिए नज़ारा। और फिर ऊपर आने के बाद आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ये साइड में, देख सकते हैं ऊपर से और भी बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है कांवर झील का। हालाँकि देख सकते हो उधर से बोटिंग यहाँ पर हो रहा है और लोग वहाँ से, यहीं से जाके हम लोग बोटिंग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अभी सूख चुका है, हालाँकि बरसात के समय में आएंगे तो पूरा यहाँ पर भर आप लोग को मिलेगा। तो चलते हैं और बोटिंग का भी आनंद आप लोग को दिखाते हैं। और नए साल पर अगर आप पर्यटन के लिए सोच रहे हैं, वो भी कम पैसे खर्च कर बेहतर नौका विहार जैसा आनंद उठाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कांवर झील पैलेस बेस्ट हो सकता है। कांवर झील बेगूसराय जिला मुख्यालय से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर फैला है। साथ ही हम लोग जिला मुख्यालय और अच्छा तो उसका फोटो ले लीजिए।
फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं कांवर झील। जैसे कि यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे बोटिंग हो रहा है और यहाँ पे पर्यावरण वन विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग यहाँ से देख सकते हैं, इतना सारा बोट लगा हुआ है यह साइड में। और फिर यहाँ से इस साइड का देख सकते हैं भी झील की यात्रा यहाँ से शुरुआत हो चुका है। हम लोग एक बोट पे 5 लोग, हम और देख सकते हैं 3 भैया, यहाँ पे रोहित भैया यहाँ पे। और देख सकते हैं झील का, आप लोग खूबसूरती देखिए कितना यहाँ का झील का जो खूबसूरती है, और यहाँ का देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ के नज़ारे हैं। तो इसके प्राइस की बात की जाए तो 200 रुपया लगा हुआ है और पूरा बोट पे हम लोग जा रहे हैं 200 रुपया के पूरा बोट। और ये देखिए, तो हाँ जी गाइस देख सकते हैं बैठ चुके हैं एकदम नौका बिहार का, यहाँ पे सैर हो रहा है बिल्कुल डल झील के जैसा, मतलब यहाँ पे महसूस हो रहा है। और आप लोग बिहार में, जी हाँ बिहार के बेगूसराय में, इस तरह के झील का आप लोग आनंद उठा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग को कैमरा में कि भाई साहब क्या व्यू है देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना सुंदर सा यहाँ पे देख रहे हैं वातावरण है। और ये एशिया का सबसे मीठा झील इसको कहा गया है। क्या आप कभी बिहार में इस प्रकार का एडवेंचर किए थे? हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसा भाई जो कश्मीर का चीज है वो आप लोग को बिहार में ला के दिखा रहे हैं, ऐसा जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि बेगूसराय जिला में है और वो बिहार राज्य में है। इस प्रकार का यहाँ पे टूरिज्म देखने के लिए मिल रहा है जो कि वाकई में काफी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं चारों, ये है बेगूसराय का कांवर झील। आप देख सकते हैं ये कांवर झील कई मायनों में प्रसिद्ध है। सर्दियों के समय में कहा जाता है और हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी के बारे में कहा जाए वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं पक्षी हैं जो यहाँ पे आते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अनुकूल हो जाता है, यहाँ का पानी ठंडा हो जाता है और वातावरण उनके अनुकूल है। यही वजह है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर कर हवाओं में गोते मारकर वो यहाँ आते हैं। ये कांवर झील के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और आज देख भी लिया, लेकिन पर्यटक के लिहाज से इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों का रोज़गार हो सके। बात बाकी आप खूबसूरती देखिए,